नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जुलाई मास 2020 का मेष राशि के जातक और जातिकाओं का बताने वाले हैं राशिफल। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। मेरे प्यारे साथियों, जुलाई मास मेष राशि के जातक और जातिकाओं के लिए आ रहा है बहुत सारी खुशियां भरी सौगात लेकर। नई नई खुशियां इस महीने आपको प्राप्त होंगी। बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे। मेहनत के चलते किस्मत का सितारा बुलंद होगा। पारिवारिक एवं पति पत्नी के रिश्तों में आएगी मधुरता। प्रेम संबंधों में बढ़ेगी घनिष्ठता। नए लड़का और लड़कियां यदि नए लव पार्टनर की तलाश में हैं तो उनको नया लव पार्टनर मिल सकता है। एक साथ घूमने फिरने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। जुलाई मास में आप नई नई चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे, जैसे वस्त्र, आभूषण, LED मोबाइल आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस महीने धन खूब आएगा लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राजनीति में रुतबा बढ़ेगा और अच्छा पद प्राप्त भी हो सकता है। गीत संगीत गायन वादन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ऑफिस नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है या दूसरी जगह तबादला भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा इस महीने लाभ मिलने वाला है। बिजनेस व्यापार करने वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा धन की बढ़ोतरी होगी और लाभ होगा। थोड़े संघर्ष करने से ही आपकी मन की इच्छाएं संपूर्ण होंगी और आप बहुत जल्दी अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। खेल कूद व्यायाम में खूब मन लगेगा। जो खिलाड़ी हैं वो खेल की दुनिया में अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। कमीशन सट्टा बाजारों में धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। कृषि भूमि काले पशुओं में भी आय में बढ़ोतरी होगी। भूमि वाहन मकान खरीद बेच से अचानक धन का लाभ होगा। घर परिवार में मंगल उत्सव मनाया जाएगा। घर में रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहेगा। जुलाई मास में जो भी यात्राएं आप करेंगे वो सारी ही यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, उनका ध्यान रखें। मास के अंत में आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आएगा। लिए गए निर्णय सटीक और प्रमाणित होंगे। अचानक रुका हुआ कोई कार्य बनेगा और आपका गया हुआ पैसा भी वापस अचानक लौटेगा। विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मन को गदगद कर देगी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में खूब रुचि बढ़ेगी। लेकिन कोई व्यक्ति आपका मन दुखा सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक जीवन को लेकर आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होंगी। मुकदमे कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई केस फाइनल होने वाला है तो उसमें आपकी ही जीत होगी, आपके ही पक्ष में मुकदमा होगा। नशीले पदार्थों से, गलत व्यक्तियों की संगति से दूर रहे एवं पराई स्त्री पुरुष से दूरी बनाकर रखें, वरना इनकी वजह से आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। भाई बहनों एवं परिवार से मिलजुल कर चलते रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और जीवन में सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। समय समय पर खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, लेकिन आपको इस मास थोड़ी आँखों की या पेट से जुड़ी हुई बीमारियां परेशान कर सकती हैं। किसी की बातों में आकर उन पर विश्वास मत करना, वरना आपको कोई गुमराह कर सकता है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत दुखित हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, कुल मिलाकर जुलाई मास का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। लेकिन जुलाई मास की कुछ तारीखें आपके लिए कष्ट भरी हो सकती है, इनमें थोड़ी सावधानी बरतें। जैसे 3, 13, 17, 21 और 30 क्रोध और वाणी पर संयम बनाकर अपने समय को गुजारने की कोशिश करें।
और हो सके तो उपाय करें, सूर्य उपासना करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी संकट आपसे दूर भाग सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बहुत ही कम समय में आपकी भविष्यवाणी या राशिफल पेश करता हूं और वो भी सत्यापित पेश करता हूं। आप मेरी राशि फल को बताए हुए को अजमा कर देख सकते हैं और आप पिछले बताए हुए राशि फलों को भी अजमा कर देख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करके आपके मन को खुश करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है, जितना सत्य होता है, अच्छा हो या बुरा हो, लाभ हो या हानि, सभी को सत्य बताने में मुझे भी आनंद आता है और आपको भी आनंद आता है। सच्चाई का पता लगता है जिससे आप जीवन में सचेत होकर समय को गुजारने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको जीवन में कोई समस्या सता रही है या आप अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे तुरंत संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9592525139। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।